जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी सिलेक्शन टूल के जो बाकी टूलिंग के मुतालिक, ब्लर टूल, स्मर, शार्पन टूल और स्मश टूल के मुतालिक होगी। लेकिन वो दो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, आपसे बार बार एक ही दरख्वास्त करूँगी, अगर लेक्चर में किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप इसको बार बार देखें और साथ ही इस पर इम्प्लीमेंट भी करें ताकि आपकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मश टूल के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है ब्लर टूल। ब्लर टूल चीज़ों को किस तरह से ब्लर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चीज़ों को धुंधला किस तरह करते हैं। या हमारे पास एक पिक्चर है, यहाँ से हम अब इस पर काम करेंगे, ब्लर करेंगे इसको। ये आप देख सक रहे, देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से ब्लर कर रहे हैं। हमने इस पूरे पिक्चर को ब्लर किया ताकि वाज़े फर्क आपको नजर आ जाए। बाज़ दफा ये भी बहुत यूज होता है, ये भी काम की टूल है। ये आप देख सकते हमने ब्लर टूल की मदद से इसको किस तरह से ब्लर किया, धुंधला कर लिया। मैं दोबारा इसको कंट्रोल आल्ट जेड करती हूँ, ओरिजिनल पोजिशन इसकी ये आ रही है। इसको मैं फेस को सिर्फ करूं ब्लर, तो ये आप देख सकते हमने इसको किस तरह से ब्लर, कंट्रोल आल्ट जेड करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है शार्पन। शार्पन टूल जिस तरह नाम से जाहिर है कि शार्प एरिया को ये शार्प करता है। ये आप देख सकते हैं बच्ची की फेस पे, आप देख सकते किस तरह से इसने शार्प किया है। ये फ्लावर को भी आप देख सकते हैं इसको हम शार्प कर रहे हैं। लेकिन याद रखें इस टूल का इस्तेमाल आपने कम से कम करने के, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये पिक्चर को ख़राब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इसको ज़्यादा करते हुए आप देख सकते इसने पिक्चर को ख़राब कर लिया है, तो आपने इसकी इसका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। मैं दोबारा कंट्रोल आल्ट जेड करती हूँ, ओरिजिनल पोजीशन पे आती हूँ, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन शार्प करेंगे तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से शार्प हो रही है, साफ हो रही है पिक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से पिक्चर ख़राब होती जा रही है। मैं दोबारा इसको कंट्रोल आल्ट जेड करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है स्मज टूल। स्मज टूल बेसिकली क्या काम करता है, ये दो कलर को मिक्स करता है आपस में। यहाँ से हम कोई भी कलर ले लेते, रेड कलर हमने लिया, ब्रश पे आते, ये कलर को मिक्स करता है। यहाँ से हम कोई दूसरा कलर ले लेते, से हमने ये दूसरा कलर लिया। अब हम आते हैं अपने टूल की तरफ, स्मज टूल पे हम आते, ब्रश के साइज को हम थोड़ा सा छोटा करते और इसको हम यहाँ से जूम करते ताकि फर्क नजर आ जाए। यहाँ से हम दोबारा लेते हैं स्मज टूल को, लेते ब्रश के साइज को हम छोटा कर रहे। अब आप इसकी मिक्सिंग देख सकते, ये देख सकते कि हमने दो कलर को किस तरह से मिक्स किया आपस में, डिजोल्व किस तरह से किया, ये इस तरह मिक्सिंग करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इनकी मिक्सिंग हो रही है। यहाँ से हम इसको मिक्स करते हैं, ये स्मश टूल की मदद से हम मिक्स करते हैं, मिक्सिंग करते हैं कलर्स को। ये आप देख सकते हैं कि हाँ कि हमने स्मश टूल की तरह की मदद से हमने किस तरह कलर को मिक्स किया। ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मश टूल, इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बाद दफ़ा इनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है और फोटोशॉप में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत, तो आपने इस टूल को इस्तेमाल में लाना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मुख्तसर सी क्लास थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।